हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो वाला है वोल्टास का साइड बाय साइड। जो इसका पूरा डेमो देने के लिए मेरे साथ है अमरनाथ, जो इसका पूरा डेमो देगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि अमरनाथ देख रहे हो, ये वाला आपका वोल्टास का साइड बाई साइड एक कितना लीटर का है? 630 लीटर का होता है। 630 लीटर का होता है। तो इसके अंदर जैसे होता है आपका दोनों पार्ट दिया हुआ है। दोनों पार्ट का थोड़ा सा फंक्शन बताएंगे। ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये पूरा डीप फ्रीज पॉइंट है। ओके। और ये होता है रेफ्रिजरेटर। ओके। अब ये दोनों अलग अलग पार्ट है, मतलब ये दोनों अलग अलग से अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल अलग अलग होता है। जैसे कि आपका डीप फ्रीज में कितना टेम्परेचर होता है? एज यूजुअली माइनस टेम्परेचर में रहता है। -20 -23 तक मैक्सिमम जा सकता है। ओके। -23। और इसका आपका रेफ्रिजरेटर पोजीशन है यहाँ पे 2 to 8 degrees। 2 to 8 degrees तक आपका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो जैसे कि आपका दोनों फ्रिज दिया हुआ है, इसमें कूलिंग कैसे कंट्रोल होता है? मतलब कूलिंग डिवाइस होता है या ऐसा? नहीं, इसके लिए यहाँ पे दो अलग अलग फैन यूज होता है। जैसे कि कोई भी फ्रिज में एक फैन से होता है, यहाँ पे दो अलग अलग फैन यूज होता है। अच्छा। जो डीप फ्रिज के लिए एक, रेफ्रिजरेटर प्रोपोर्शन के लिए। तो अच्छा। दोनों अलग अलग टेम्परेचर एडजस्ट करने में बहुत सुविधा आता है। मतलब आपका कूलिंग यूनिवर्सल कूलिंग होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अंदर में जो दिया हुआ ये वाला आपका नियो फ्रॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नियो फ्रॉस्ट, जो बोलता है डुअल कूलिंग, जो डुअल फैन से कूलिंग हो रहा है उसका एक टर्म यूज होता है नियो फ्रॉस्ट। अच्छा, अभी जो आप बोले उसका फीचर्स दिया हुआ है नियो फ्रॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर एक रैक दिया हुआ है, ये किस काम का है? लिक्विड वाटर का बोतल हो या फिर कोई भी लिक्विड बोतल हो, जो बड़ा बड़ा टाइप का बोतल आता है, ये एक्स्ट्रा रैक दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर रख सकते हैं एक्स्ट्रा टाइप और खोल भी सकते हैं। हाँ। और जैसे कि यहाँ पर जो रैक दिया हुआ है वो थोड़ा सा तो काफी हार्डी लग रहा है। हाँ। तो एक एक रैक आपका कितना वेट कैरी होता है? एक एक रैक 175 kg तक वेट ले सकता है। एक एक रैक पर रैक। और यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं हम? यहाँ पे एज यूजुअली ये वेज बॉक्स है, ये भी वेज बॉक्स है, ये एक्स्ट्रा फूड का वेज बॉक्स दिया हुआ है। ओके। अगर आप ये यूज भी नहीं कर सकते, ये भी खोल के बाहर निकल के ये नॉर्मल रैक की तरह यूज कर सकते हैं। ओके। स्टोर फ्रेस क्या है? स्टोर फ्रेस प्लस जो होता है, स्टोर फ्रेस एक्चुअली जो भी हम वेजिटेबल्स रखते हैं वो वेजिटेबल्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोटीन्स जो जरूरत होता है, जो सन हीट में आता है या फिर सनलाइट से आता है। अच्छा। उसके लिए यहाँ पे एक फीचर्स दिया हुआ है स्टोर फ्रेस प्लस। जैसे ही आप फ्रिज ऑन करेंगे, स्टोर फ्रेस प्लस बैक साइड से एक ब्लू रे निकलता है। अच्छा। वो ब्लू रे से क्या करता है, हर सब्जी बोलिए या फिर कोई भी फ्रूट बोलिए, वो ताज़ा रखेगा अप टू 30 डेज तक। 30 डेज तक फ्रेश रहेगा। एग्जैक्टली। जैसे कि ये वाला भी तो सेम आपका डीप फ्रीजर पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सेंसिटिव सिल्वर कूल, उसका मतलब क्या है? ये वाला जो है सेंसिटिव कूल जो होता है, ये एक्चुअली जो ओडर होता है, कोई भी खाना रखेंगे, खाना का एक ओडर आता है, वो ओडर फ्री रहेगा। अच्छा। ओडर ज्यादा जरूर नहीं जाएगा, वहाँ पे ही रहेगा। ओके। और ये वाला है दोनों? ये दोनों एक्स्ट्रा कूल पैड दिया हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए कभी भी लोड शेडिंग हो गया। अच्छा। तो फिर मेरा ये जगह पे मेरा कोई ऐसा चीज़ है जो चीज़ को ठंडा रखना जरूरी है, ये रख देंगे अप टू 12 आवर्स तक यहाँ पे ठंडा रहेगा, 12 घंटे तक कूलिंग रहेगा। हाँ। ओके। जैसे कि यहाँ पर तो डीप फ्रीज है, ये दोनों का भी सेम फंक्शन, ये भी डीप फ्रीज पॉइंट है, ये भी डीप फ्रीज पॉइंट है। अब जो फ्रोजन फूड रखेंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और एक तो वाटर डिस्पेंसर दिया हुआ है, ये वाला है। वाटर डिस्पेंसर में आपका पानी कैसे आएगा? पानी ये दोनों टाइप का वाटर डिस्पेंसर होता है, एक आता है विथ प्लम्बिंग, एक आता है नॉन प्लम्बिंग। ये वाला जो है नॉन प्लम्बिंग। नॉन प्लम्बिंग का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है वाटर टैंक 1.7 लीटर का। अच्छा। यहाँ पे आप पानी डाल दीजिए। यहाँ से इंटीरियर भी यहाँ पे आके आप यहाँ से डायरेक्टली पानी बोलिए, ट्रस्ट आइस बोलिए या फिर क्यू आइस बोलिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं बिना दरवाजा खोल के, यहाँ से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका जैसे कि बहुत सारा ऑपरेटर दिया हुआ है। एग्जैक्ट। तो क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर देख रहा है आपका अलार्म ऑफ आइस, ये वाला थोड़ा सा बताइए। ये वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्पेंसर में जा रहा हूँ। डिस्पेंसर मतलब वाटर का डिस्पेंस। वाटर डिस्पेंस जो होगा वो ठंडा पानी निकलेगा, ये डिस्पेंसर के थ्रू होगा। आइस अगर आपको चाहिए कि क्या आइस चाहिए, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन रहेगा आइस में। अच्छा। एक क्रस्ट आइस रहता है, एक क्यूब आइस रहता है। आप जिस टाइप का आइस चाहेंगे वो टाइप का आइस निकल रहा है। अलार्म ऑफ मतलब आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं कि इतना घंटे के बाद मुझे आइस चाहिए, आप यहाँ पे दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो अलार्म करेगा। अलार्म आप ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा।
और क्या है वैकेशन दिया हुआ है? वैकेशन मोड बेसिकली वैकेशन मोड आप स्टैंड बाय मोड भी बोल सकते हैं वैकेशन मोड को। एज यूजुअली क्या होता है जब हम घर के बाहर दो तीन दिन के लिए चले जाते हैं पूरा फ्रिज तो हम ऑन नहीं कर सकते ना, तो वैकेशन मोड जब भी हम ऑन कर देंगे ये जो रेफ्रिजरेटर पॉइंट है ये रेफ्रिजरेटर पॉइंट पूरा बंद हो जाएगा, नॉर्मल फ्रीजर पॉइंट स्टैंड बाय मोड में चलेगा। मतलब हम फ्रोजन फूड अगर रख के जाएंगे तो नॉर्मली डीप फ्रीज चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि इसका वारंटी कितना है? वारंटी एज यूजुअली 12 इयर्स ऑन कंप्रेसर, ये इन्वर्टर कंप्रेसर दिया हुआ रहता है, इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर 12 इयर्स देता है और ऑल ओवर वर्केबल पार्ट्स मतलब पूरा फ्रिज में 2 साल का वारंटी एज यूजुअली दे रहा है कंपनी। ओके, जैसे कि आप ये वाला बोले इन्वर्टर कंप्रेसर, इसका बारे में थोड़ा सा। इन्वर्टर एक्चुअली पहले भी बोल चुका हूँ इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर में फर्क क्या आता है। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर स्टार्टिंग होता है 730 वाटेज से, अच्छा इन्वर्टर कंप्रेसर स्टार्टिंग होता है 93-95 वाटेज से। तो यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल स्पीड होता है, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, अच्छा जैसा फूड का स्टोरेज रहेगा वो हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। तो इससे क्या होता है कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता, सेकेंडली फूड का जो स्टोरेज है वो हिसाब से अगर काम करेगा तो फिर ये बिजली भी कम खाएगा, टाइम कंज्यूम कम होता है, लॉन्जेविटी भी। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स आप देखिए ये वाला वोल्टास का रेफ्रिजरेटर साइड बाई साइड। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।